गुड मॉर्निंग गाइस। तो फिलहाल हम लोग है तुंडला जो भी तुंडला में, और सुबह के 5 और हम सब जाएंगे अभी वृंदावन। ट्रेन जर्नी कल सुबह लगभग 8 बजे हम ट्रेन में चढ़े थे, लेकिन 2 घंटा लेट करने के बाद हमें 5 बजे तक तुंडला पहुंचा दिया। यहां से लगभग 84 किलोमीटर है वृंदावन। तो अभी बाहर जाएंगे, कार का क्या क्या सिस्टम है देखेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं कि कितना हमें टाइम लगा और क्या क्या सिस्टम है यहाँ पे। आप तुंडला से वृंदावन जाना चाहते हैं तो वहाँ पे ऑटो वाला का बहुत सारा दिक्कत है, तो आप देख लीजिएगा। और अगर आप प्राइवेट कार करके आ रहे हैं, 4 आदमी का लगभग 2500 रुपए लगता है। सूरज दिख रहा है यहाँ से, तो आप देख सकते हैं यही है वो टर्निंग जिससे आपको यमुना एक्सप्रेस घुसने का मौका मिलता है। हमारे सामने ही है यमुना एक्सप्रेस। और ये हम पहुंच गए वृंदावन धाम। आप देख सकते हैं ये है परिक्रमा मार्ग, जहां से हर सुबह भक्त परिक्रमा करता है मंदिरों का, श्री वृंदावन पवित्र धाम। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन धाम। लगभग अभी बज रहे सुबह के 6:30, मतलब लगभग आपका 1 घंटा 15 से 20 मिनट हमको लगा। तो गाइस फिलहाल हम लोग है वृंदावन में, तो हम लोग नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। अभी हमें जाना है बांके बिहारी मंदिर, जो कि यहाँ से पड़ेगा 300 मीटर के अंदर ही है यहाँ से मंदिर। तो आपको दिखाते हैं मंदिर प्रांगण में जाके वहाँ पे क्या स्थिति है फिलहाल। तो आप देख सकते हैं इसी रास्ते से जाते हैं बांके बिहारी टेंपल, सामने ही है। यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ से होते हुए आपको आगे जाना पड़ेगा। गाइस आप देख सकते हैं हम लोग बांके बिहारी जी के दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं, और ये हम प्रसाद भी ग्रहण कर चुके हैं। हजारों लोग एक संग मंदिर के अंदर घुस रहे थे, बहुत ज्यादा भीड़ आज था। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे सामने है प्रेम मंदिर का एंट्रेंस, और ये आप देख सकते हैं मंदिर। अभी चल रहे हैं, लगभग आपको 500 मीटर चलना पड़ेगा, उसके बाद आपको मंदिर में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। तो हमने हजारों लोगों की भीड़ है अभी फिलहाल, और यही है प्रेम मंदिर का एंट्रेंस। आज रविवार है और सुबह के 9:30 बज रहा है, इसीलिए आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है अभी फिलहाल। हम सब बात कर रहे थे और अचानक से सामने से आके पटापट मुंह पे छाप पे चला गया। अब देख सकते पूरा पेंटिंग कर दिया मेरा मुंह में, मतलब उनको बारन करो फिर भी नहीं सुनता, मतलब पूरा लगा के चला जा रहा है। जो भी है चलो लगा दिया है, भगवान की कृपा। प्रेम मंदिर आपके सामने काफी खूबसूरत दिख रहा है। नाग कालिया के फन में नृत्य करते हुए श्री बाल गोपाल कृष्णा काफी खूबसूरत दिख रहा है, सकते हैं काफी खूबसूरती से बनाया गया हुआ है।
गायों के बीच श्री कृष्ण और बलराम ताऊ और सुभद्रा और सारे सखियों मिलकर पेड़ के बीच में आराम करते हुए कृष्ण गाइस, आप देख सकते हैं हम भीतर प्रवेश करके प्रणाम करके बाहर आ चुके हैं और ये है हमारे सामने पूरे मंदिर चतर। आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत बनाया गया है ये मंदिर, पूरा सफेद कलर में मार्बल को काट के बनाया गया है और रात को यहाँ पे लाइटिंग हो रहा है, होता है, कलर चेंज होता है क्योंकि ये सफेद कलर का है और उसके ऊपर कलरिंग लाइट लगाते हैं ये लोग, तो काफी खूबसूरत नजारा बन जाता है। आज वृंदावन में हजारों की तादाद पे लोग है, भीड़ बहुत ज्यादा है आज मंदिर में। प्रवेश द्वार इस तरफ से है, सामने से पूरा मंदिर में कलाकृति बना हुआ है, कृष्ण भगवान के जीवन का हर एक स्थिति को दर्शाया गया है यहाँ पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको दिखाया था नाक कालिया के फन में कृष्णा नृत्य करते हुए, यहाँ पे सखियों के संग कृष्णा आनंद ले रहे हैं अपने बाल्यकाल का जीवन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री कृष्ण सिंहासन दे रहे हैं अपनी पत्नी को बिठा के और यहाँ पे प्रेम मंदिर लिखा हुआ है, वहाँ पे गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण अपने उंगली में उठाते हुए, जो कि हनुमान जी ने वादा किया था जब राम सेतु बन रहा था तब, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था इसीलिए हनुमान जी ने सोचा एक बड़ा पर्वत ही क्यों ना लाया जाए, तो जब पर्वत को लाने गए थे तब गोवर्धन जी बोले थे कि हम तभी चलने को तैयार होंगे जब श्री राम जी हमें एक बार स्पर्श करेगा, तो जब हनुमान जी पर्वत उठा लिए तब संवाद मिला उनको कि सेतु जो है वो ऑलरेडी तैयार है, इसीलिए गोवर्धन जी को उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया था और वादा किया था श्री राम आपसे मिलने पूरा आएंगे और आपको स्पर्श करके जाएंगे, और उसके बाद श्री कृष्ण बनकर श्री राम ने अपने उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया था, इसी चीज़ को दर्शाते हुए यहाँ पे गोवर्धन पर्वत काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। दूर देख सकते कृष्ण भगवान अर्जुन की सारथी बने हुए हैं और महाभारत के युद्ध में जाने के लिए तैयार प्रस्तुत बैठ वहाँ सामने काफी खुशियों के संग श्री कृष्णा अपने सखा गण मिल के खाना खा रहे हैं, मतलब श्री कृष्ण के जीवन के हर एक चित्र को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है और मंदिर के दीवार पर भी चित्रकला मूर्ति बना हुआ है, एक एक जीवन का मूल धारा जो था सब कुछ यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, एक एक करके पूरा मंदिर में ऊपर से नीचे तक काफी बारीकी से बनाया गया है। ब्रह्मदेव को अपने पद पर बहुत अहंकार हो चुका था, के बाद ब्रह्मदेव को श्री कृष्ण ने जब अनेक ब्रह्मांडों में से सारे ब्रह्मा जी को बुलाकर दिखाया था कि सृष्टि जो है वो अनंत है और इस अनंत सृष्टि में अनंत ब्रह्मा है और सब कुछ ब्रह्म जी को दर्पण में दिख गया था, ये सृष्टि अनंत है, और अपने अहंकार को दूर करते हुए ब्रह्म जी पुनः श्री कृष्ण की चरण में, विष्णु की चरण में, दो पैरों के बीच में जब श्री कृष्ण को बांधा गया था जो पैर को तोड़ के ये राक्षस को वध करते हुए, उतना राक्षस सरित, एक बात बताए मुझे हिंदी ठीक से पढ़ना नहीं आता, तो महादेव जब श्री कृष्ण को दर्शन करने आए थे सभी भगवान एक एक करके श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि सभी भगवान को भगवान से रहा नहीं जा रहा था, विष्णु जी का इतना खूबसूरत रूप पुनर्दर्शन करने के लिए